तो दोस्तों टोफू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे मैंने सब मसाले ले लिए, जिसमें मुझे रेड चिल्ली पाउडर लगने वाला है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और उसी के साथ में मैंने ले लिया यहाँ पे फ्राई ओनियन है मेरे पास में, ये थोड़ा पेस्ट बना हुआ, और एक टमाटर, उसी के साथ में अदरक लहसुन, और मैंने ले लिया यहाँ पे पनीर का कढ़ाई मसाला। तो ये जो टोफू है दोस्तों, ये टोफू एक पनीर ही होता है, लेकिन पनीर हमारा दूध से बनता है और ये बना है सोयाबीन से, तो ये ऐसा इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि पनीर से भी ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे खोल देती हूँ, ये बहुत हेल्दी होता है, और इसको सेम पनीर की तरह भी बना सकते हो आप, ड्राई भी बना सकते हो और ग्रेवी वाला भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ इसे, देखिए इसमें गर्मा, और ये पानी है, ये मुझे कुछ 60 रुपये में मिला है 250 ग्राम। और अब यहाँ पे मैं ले लूँगी, पहले सबसे पहले तो हम लोग मसाला भून लेंगे, तो मैंने यहाँ पे मसाला भूनने के लिए ले लूँ पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, समझो 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगा इसमें। यहाँ पे इसी टाइम पे मैं ये फ्राई ओनियन है मेरे पास में, तो मैं फ्राई करके रखी हूँ ओनियन, ताकि मेरे को सब्जी वगैरह बनाना रहती है, तो मैं फटाफट से ओनियन कट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, ये जल्दी से ही इसमें घुल जाता है। एकदम झटपट इजीली बन जाती है ये सब्जी, इसे कोई टाइम नहीं लगता है। और ऐसे हम ओनियन ये फ्राई वगैरह करके रख देते हैं मसाला वसाला थोड़ा सा भून के, तो और भी इजी हो जाता है हमारे लिए। चलिए यहाँ पे अब हम लोग ऐड कर देंगे इसके अंदर थोड़े गरम मसाले, पहले मैं ले लूँगी हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड की हूँ यहाँ, और 1 टीस्पून घर के मैं डाल दूँगी रेड पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर जो तीखा है, और 1/2 टीस्पून डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सिर्फ कलर के लिए, थोड़ा चला लूँगी इसको, कितना प्यारा कलर आ गया। अब इसी के साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा कम, ये सब चीज़ें हम टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर रहे हैं। टमाटर भी मैंने एक छोटा आधा ली हूँ, टमाटर महंगा है इसलिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सब में ज़्यादा टमाटे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने टमाटे बहुत सारे ले लिए थे, महंगे हो गए इसलिए। चलिए देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं, पहले थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, मैं सॉल्ट इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए थोड़ा सा। चलिए अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके मसाला भुनने दूंगी मैं, थोड़ा सा खाली जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है मसाले की हमारे वो थोड़ा खत्म हो जाए। कट कर रही हूँ मैं यहाँ पे इसको छोटे छोटे ब्लॉक में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अभी पनीर कढ़ाई मसाला इसके अंदर, आप कोई भी मसाला डाल सकते हो, मेरे पास में ये है अवेलेबल, तो मैं ये डाल रही हूँ, ये मैं पूरा एक मसाला डाल दूंगी इसमें। ये भी मसाला नया ही आया है अभी मार्केट में, इसलिए मैंने ले ली थी मॉल से। अब इसी टाइम पे हम यहाँ पे इसको 2 मिनट अच्छे से भूनने दूंगी मैं, मसाले को डाल दी हूँ तो अगर आपको यहाँ पे ग्रेवी चाहिए तो आप ग्रेवी रख सकते हैं, और अगर थिक चाहिए तो थिक भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम पनीर टोफू ऐड कर देंगे, कभी भी टोफू बनाते हैं ज़्यादा ना पनीर ज़्यादा बनाते हैं, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इसकी जो खुशबू होती है अमेजिंग है, और उसी के साथ में थोड़ा सा मैं हरा धनिया से गार्निशिंग कर दूँगी, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, टोफू ग्रेवी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन की रेसिपी चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं टोफू जो है पनीर का भाई, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, सिंपल इजी तरीके से बनाएंगे और टेस्ट में तो लाजवाब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टोफू बनके रेडी हो चुका है, देखिए कितना शानदार लग रहा है दिखने में, जितना शानदार दिखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है खाने में, और इसके हेल्थ के बेनिफिट तो लाजवाब।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट शेयर करना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।